ताली बजाकर अपनी हाजिरी लगाओ। जय श्री राम। छोटा तालियों से हमारा अतिथि का स्वागत करें। अमित शर्मा धर्मपाल जी का स्वागत करें। विनोद जी बोले सिया बोले रामचंद्र की। लगता है मैं अकेला बोल रहा हूँ आज मेरी ज्यादा। रामलीला कमेटी के प्रधान राकेश चौहान, मुकेश शर्मा जी, विनोद, अमित, संजय और सभी सारे साथी जो भी उपस्थित है, मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपके बीच में जो हमारी जो ये रामलीला है, ये जो रामलीला है ये हमारी सबसे पौराणिक कथाओं में से एक है। महाकाव्य में सांस्कृतिक और धार्मिक इसका महत्व है हमारे हिंदू समाज में। जो श्री राम के जन्म से जो भगवान विष्णु के सातवें अवतार थे, जन्म से लेके उनकी कथा उसमें सुना याद होगा। आप लोगों से छुपा नहीं है कि आप मेरी ये चौथी अवस्था है और राज्य का कार्यभार अब मुझसे नहीं संभाला जाता, इसलिए उचित यही होगा के इसके उत्तराधिकारी को इस राज्य भार को सौंप देना चाहिए और हर प्रकार से राज्य भार संभालने के योग्य है। कहो आप सभी सभासदों की इस विषय में क्या राय है? कहिए मेरा ये कथन सही है क्या? हाँ हाँ राजन, आप सत्य कहते हैं। शर्मा जी, ये हम श्री नवयुवक रामलीला कमेटी के रामलीला में आज आए हैं और हम यहाँ देख रहे हैं कि कलाकारों में और पब्लिक में काफी जोश है, ये रीजन क्या है? रीजन ये है कि यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जो हमारे अपने कलाकार, अगर आप उनकी कला देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि कला के अंदर में एक जिसको कहते हैं ना रियलिटी, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे सामने बिल्कुल भगवान राम का अगर चरित्र चल रहा है तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल भगवान राम चरित्र को मतलब छायांकन कर रहे हैं उसका जी। फिर दूसरा क्या है, देखिए लोगों की भगवान राम में आस्था है और आस्था जब होती है तो भक्त अपने आप ही वहाँ पहुँच जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के तो भक्तों की कमी नहीं है, तो ये सब भगत हैं जो यहाँ भगवान राम की लीला को देखने के लिए। और सुना है कि ये काफ़ी पुराना भी है और इसमें एजुकेशनल अगर बात करें तो कई फील्ड के लोग भी हैं, कोई डॉक्टर है, कोई आईटी में है, कोई जॉब कर रहा है अच्छी, फिर भी यहाँ पे रामलीला में एक्टिंग कर रहे हैं जी। ये रामलीला जो हमारी कमेटी जी मतलब इस सामने को पिछले 16 साल से कंटिन्यू लगातार करा दिया और इस हमारी इस कमेटी के अंदर एक से एक कोई चाहे कुछ इंजीनियर्स भी हैं जिन्होंने जो इंजीनियर की डिग्री लेके घूम रहे हैं, सीए तक के हमारे साथ हैं जो मतलब हमारी इस कमेटी के अंदर जुड़े हुए हैं और हमें टाइम टू टाइम पूरा सहयोग। हम देख रहे हैं कि आज काफ़ी भीड़ है तो आने वाले दिनों में जैसे जैसे रामलीला का रोमांच बढ़ेगा तो ये क्या भीड़ भी बढ़ सकती है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि देखिए ऐसा है, वैसे जो ज़्यादातर भीड़ जो हमारे यहाँ अभी तो आज अभी आपने देखा है ना, ये तो अभी स्टार्टिंग है, अभी और देखिए थोड़ा सा जैसे टाइम गुजरेगा आपको और भीड़ नजर आएगी। जब तक मेरे हाथों में धनुष और बाण है, संसार की सारी शक्तियां चाहे एक और हो गए तो भी मैं उसकी शान नहीं करने दूंगा। राम राजा बन जाएगा तो कौशल्या महारानी हो जाएगी महारानी, और हाथ मंथुरा क्या तो तुम सही रही हो, लेकिन अब तू ही बता मंथुरा मैं क्या करूं। महाराज ने तो
राज तिलक की घोषणा कर दी है। अरे